हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स। अब फिजिक्स का चैप्टर 6 को आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 6 का नियम क्या है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इस चैप्टर का ये लेक्चर 1 है और आज के इस वीडियो में हम बेसिक स्टार्ट करेंगे। बेसिक से हम जानेंगे कि चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, ये चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, इसका परिभाषा, मात्रक, राशि, फॉर्मूला सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम जानेंगे कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण, जो चैप्टर का ही नाम है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है इसके बारे में भी हम पूरी तरीके से डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो मैं आपसे केवल एक ही बात कहूंगा, यदि आप रट कर नहीं समझ कर याद करना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक बने रहें, आसानी तरीके से एक एक पॉइंट्स आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहला हमारे यही पॉइंट्स आता है कि चुंबकीय फ्लक्स कहते किसे हैं, चुंबकीय फ्लक्स का परिभाषा क्या होता है। तो परिभाषा तो हमने यहाँ पे लिख दिया है, बट हमें समझ कर याद करना है। अब समझ कर कैसे याद होगा, थोड़ा सा यहाँ पे आप 2 मिनट देंगे, आपको याद हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं ये एक चुंबक है, सपोज डैट ये एक, मान लेते हैं ये एक चुंबक है, ठीक है जी। और चुंबक का ये है नॉर्थ ध्रुव और ये है साउथ ध्रुव, इतनी बात आप समझ गए। तो यहाँ पे ये चुंबक है, तो ये इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, होगा ना उत्पन्न। तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो इससे बहुत सारी चुंबकीय फ्लक्स, मतलब चुंबकीय बल रेखाएं, बहुत सारी चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही होंगी। तो सपोज डेट ऐसे हम मान ले रहे हैं कि इससे जो चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही हैं वो कुछ इस प्रकार निकल रही हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा हम इसको मान लेते हैं अदर कलर से कि इससे चुंबकीय फ्लक्स जो निकल रही हैं, चुंबकीय बल रेखाएं, वो इस तरीके से निकल रही हैं, ठीक है ना। इस तरीके से यहां से निकल रही होंगी जी, कोई इधर भी जा रही होंगी, कोई इधर भी जा रही होंगी, कोई इधर भी जा रही होंगी, ठीक है, कोई इधर भी जा रही होंगी, कोई इधर भी निकल रही होंगी, कोई इधर भी। ये क्या निकल रही हैं, मैं नाम लिख दे रहा हूं, ये है चुंबक। और ये क्या निकल रही है, ये है चुंबकीय बल रेखाएं। तो यहां पे ये बताया जाता है कि किसी चुंबक से निकलने वाली जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं, तो यहाँ पे जो चुंबकीय बल रेखाओं की जो संख्या है, यहाँ से बहुत सारी चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही हैं, तो चुंबकीय बल रेखाओं की जो संख्या है ना, उसी संख्या को, जो संख्या है, इस संख्या को ही हम क्या कहते हैं, इस संख्या को ही चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। मतलब आपने क्या समझा, यही कि किसी चुंबक से निकलने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को ही चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। बट यहां पर एक कंडीशन भी लगाया गया है, यहां पे कंडीशन क्या लगाया गया है ये नहीं समझे, कुछ नहीं समझा आपने। कंडीशन ये है कि यहां पे जो चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही हैं, तो वो सभी चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या नहीं, बल्कि वो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या हम जोड़ेंगे जिसकी, जो चुंबकीय पृष्ठ पर लंबवत होंगे, चुंबक का जो ये सतह है इस पर लंबवत होंगे। जैसे कौन कौन सा, देखिए ये पृष्ठ पर लंबवत है, जैसे ये पृष्ठ पर लंबवत है, जैसे ये पृष्ठ पर क्या है, लंबवत है, ये देखिए ये नहीं है जी, ये भी नहीं है, ये देखिए ये पृष्ठ पर लंबवत होगा, ठीक है ना। ये भी देखेंगे तो पृष्ठ पर ये भी लंबवत है, ये तो नहीं है भैया, ये भी नहीं है, तो ये इन दोनों को, इनको हम नहीं गिनेंगे, ठीक है ना। ऐसी विद्युत बल रेखाओं की संख्या को उसकी संख्या को नहीं कह रहे हैं, हम केवल वही कह रहे हैं जो चुंबक के पृष्ठ पर लंबवत होंगे। तो हमने परिभाषा, हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि किसी चुंबक के, याद रखेंगे, ध्यान से समझेंगे, किसी चुंबक के पृष्ठ के लंबवत, कोई भी चुंबक है तो उसका एक सतह ये है कि नहीं, ये सतह ही तो है, तो किसी चुंबक के पृष्ठ के लंबवत निकलने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। बताइए, आपको परिभाषा रटना पड़ा नहीं ना, परिभाषा रटना नहीं है, आपको समझ कर याद करना है।
क्योंकि समझकर याद करेंगे हमेशा रहेगा। और मेरा एक छोटा सा लक्ष्य लेकर मैं चल रहा हूँ और मैं इसीलिए इस फील्ड में आया हूँ क्योंकि मैं दिल से चाहता हूँ कि कोई भी स्टूडेंट रटे नहीं, समझकर याद करे। क्योंकि रटने का दर्द मैं समझता हूँ, रटने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, सब भूल जाएंगे आप एग्ज़ाम टाइम में। तो मैं समझा हूँ इसलिए मैं चाहता हूँ आप भी रटे नहीं, समझ कर याद करें। एक बार और मैं परिभाषा बोल रहा हूँ, यहाँ से सुनिए, समझिए और याद कीजिए। आप कहेंगे कि किसी चुंबक के सतह के लंबवत निकलने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। बात आप समझ गए हैं? देखिए वही बात हमने यहाँ पे लिख दिया है, किसी चुंबक के पृष्ठ के लंबवत निकलने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। यहाँ पे फ्लक्स थोड़ा सा गलत हो गया है, यहाँ पे लिखा है सही है, वो लिख लीजिएगा। बात समझ गए जी, आगे बढ़े। बट आगे कैसे बढ़ सकते हैं, यहाँ पर हमें फॉर्मूला जानना है। चुंबकीय फ्लक्स को फाई बी से हम दर्शाते हैं, इसका फॉर्मूला आता है बी ए कॉस थीटा, ये इसका फॉर्मूला होता है जी, इसको आपको कभी भी भूलना नहीं है, ठीक है जी, ये आप फॉर्मूला याद रखेंगे। चुंबकीय फ्लक्स फाइव बी इजकल टू बी ए कॉस थीटा, यहाँ पे बी क्या है, चुंबकीय बल रेखाएं हैं, मतलब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, सॉरी बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ए क्या है, पृष्ठ का क्षेत्रफल है, और कॉस थीटा क्या है, लंब और चुंबकीय क्षेत्र के बीच बना कोण है। समझा दें हम आपको, थोड़ा सा इसको मैं समझा देता हूँ यहाँ पे, जैसे कि इसको भी आप समझ ही लीजिए। जैसे मान लेते हैं ये एक चुंबक है, ठीक है ना, तो ये एक चुंबक है, तो चुंबक का ये एक सतह है, मान लेते हैं इस सतह है, सतह का क्षेत्रफल क्या है इसका, ए है, और इस सतह पर ये मान लेते हैं लंब है जो है एल, और इस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है इस ओर जो है बी, ठीक है, और इन दोनों के बीच बना कोण क्या है, वो है थीटा। तो ये आप समझ गए, तो यही एक चुंबक है, तो यही बी जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वही है बी, ए क्या है, इस चुंबक का क्षेत्रफल है जो है ए, और यहाँ पे थीटा क्या है, तो लंब और चुंबकीय क्षेत्र के बीच बना कोण है जो है थीटा। अब समझ गए ना, इतनी बात आप समझ गए होंगे, ठीक है, इसको चाहें तो इसको आप इरेज कर लीजिएगा, ठीक है, इसको कोई ज़रूरी नहीं है, ये तो मैंने आपको समझाने के तौर पर बता दिया, आप समझिए। अब इसके बाद अब यहाँ पे थोड़ा दो तीन चीज़ें हैं जो आपसे पूछ लिया जाता है। पहला है मात्रक, तो मात्रक क्या होता है, तो याद रखेंगे वेबर होता है। दूसरा आपसे पूछ लिया जाता है राशि, तो ये राशि याद रखेंगे अदिश राशि होता है। और तीसरा आपसे पूछ लिया जाता है बीमा, थोड़ा सा मैं फास्ट चल रहा हूँ, तो बीमा होता है एम एल टू टी माइनस टू ए माइनस वन, तो ये आप तीनों चीज़ें याद रखेंगे जी। थोड़ा सा मैं फास्ट चला हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा आप इसको ध्यान से लिख लीजिएगा। बात आप समझ गए हैं, ठीक है ना, इतनी बात समझ गए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद अब हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे चुंबकीय मतलब विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होते हैं, ले लिए होंगे जी। चलिए अब हम जानते हैं चुंबकीय मतलब विद्युत चुंबकीय प्रेरण। देखिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण का परिभाषा थोड़ा सा बड़ा है, बताइए मैं इसी वीडियो में याद करा दूं आपको, देखिए आसानी से याद होगा, यहां पे ध्यान नहीं देना है, फिगर समझाऊं यहां से समझिएगा याद हो जाएगा। सपोज डेट मान लेते हैं कि ये एक चुंबक है जी, ठीक है ना, ये एक मान लिया हमने ये एक चुंबक है, ठीक, ये एक चुंबक है, चुंबक का ये नॉर्थ ध्रुव है, ये साउथ ध्रुव है, ठीक है, ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, केवल यहाँ पर क्योंकि ये टेंथ में क्लास में हमने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन डिटेल में किया हुआ है। तो ये एक चुंबक है और चुंबक के पास एक हमने कुंडली ले लिया है, चुंबक के पास एक हमने यहाँ पर कुंडली ले लिया है, कुंडली कुछ इस प्रकार होता है, और कुंडली के अंतर्गत कुंडली में हमने एक गैल्वेनोमीटर जिसे धारा मापी कहते हैं उसको हमने यहाँ पे जोड़ दिया है, यहाँ पे लगा दिया है जी, इतनी बात आप समझ गए हैं, ठीक, क्या आपने समझा, सॉरी क्या आपने समझा जी, आपने यही समझा कि यहाँ पे हमने एक क्या लगा दिया है, यहाँ पे एक चुंबक लिया है, ये क्या है, कुंडली है, मैं नाम यहाँ पे लिख दूँ, ये है कुंडली, ठीक है, कंफ्यूज ना हो इसलिए, ये क्या है, चुंबक है,
तो देखिए यहाँ पे बात यह होती है कि जब किसी कुंडली और चुंबक के बीच कौन सी गति होती है, आपेक्षीय गति, कौन सी गति होती है, आपेक्षिक गति। तो जब किसी कुंडली और चुंबक के बीच आपेक्षीय गति होता है, आपेक्षीय गति का मतलब आप समझते हैं, आपेक्षीय गति का मतलब कि इस कुंडली को यहीं पे स्थिर रख दिया जाए और इस चुंबक को तेजी से पास लेकर आया जाए। तो जब चुंबक को तेजी से पास ले आया जाता है तो यहाँ पे देखने को यह मिला कि ये जो गैल्वेनोमीटर है, इस चुंबक में धारा प्रवाहित होने लगता है, जिसके कारण ये गैल्वेनोमीटर की जो सुई है ये इस ओर विक्षेपित होने लगती है, ठीक है ना। और उसके बाद जैसे इस चुंबक को दूर ले जाया जाता है, इसको स्थिर रखकर इस चुंबक को पास है ये, इसको दूर ले गया गया तो इस देखा गया कि गैल्वेनोमीटर की जो सुई है इस ओर विक्षेपित हो रही है। तो ऐसे करके बहुत सारे प्रयोग किए गए, उसी को आपेक्षीय गति कहते हैं। नॉर्मल तरीके से ये आप जान लीजिए, ठीक है ना, बात आप समझ गए हैं। थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं जी, तो इसी को हम आपेक्षीय गति कहते हैं। अब आप थोड़ा सा समझिएगा, तो यहाँ पे यही केवल बात बताया गया कि जब किसी कुंडली और चुंबक के बीच आपेक्षीय गति होता है, तो जब आपेक्षीय गति होगा ना तो यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है। क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में क्या होता है? परिवर्तन होता है। जो यह चुंबक है तो चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ होगा, तो वहां से चुंबकीय फ्लक्स निकलेंगे ही, तो वही चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन हो रहा है, कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, ठीक है। जैसे हम पास ले आ रहे हैं वो तेजी से चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या बढ़ रही है, दूर ले जा रहे हैं तो चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या कम हो रही है। तो वही बात कहा जा रहा है कि जब किसी चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षीय गति होती है तो चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है। जैसे ही परिवर्तन होता है तो ये जो कुंडली है तो कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। विद्युत वाहक बल कैसे पता चला? इसमें धारा बहने लगी इसलिए। तो इस कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और उसी विद्युत वाहक बल को ही हम प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? उसी विद्युत वाहक बल को प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो इतनी बात आप समझे या नहीं? थोड़ा सा वीडियो लंबा है, ठीक है, ये टॉपिक लंबा है, इसलिए थोड़ा सा मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पे यही कहा जाता है जब किसी कुंडली और चुंबक के बीच आपेक्षीय गति होता है तो चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं, ठीक है ना। और इस संपूर्ण घटना को ही इस संपूर्ण घटना को ही विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। इस संपूर्ण घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। बताइए आपको याद हो गया या नहीं हो गया? थोड़ा सा फिगर से आप याद करेंगे, हमेशा के लिए याद रहेगा। एक बार मैं परिभाषा बोल रहा हूँ, सुनिए समझिए और याद कर लीजिए। आप कहेंगे, ध्यान से समझेंगे, आप कहेंगे जब किसी चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षीय गति होता है तो चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। इस संपूर्ण घटना को ही विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। एक बार में यदि याद ना हो, एक दो बार वीडियो देखिएगा, सुनिएगा, मैं जो बात कहा हूं, जो परिभाषा बोला हूं, यहीं से देखकर सुनेंगे समझेंगे याद हो जाएगा। देखिए वही बात हमने यहाँ पे लिखा है कि जब किसी चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति होता है तो चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। इस संपूर्ण घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। बात आप समझ गए हैं? तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मैं यहीं तक वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ।
और आज का ये दोनों टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, कहने की ज़रूरत है नहीं, तो आप अच्छे तरीके से इसको स्टडी कर लीजिएगा। दूसरी बात मैं यही कहूँगा, वीडियो आपको लग रहा है कि वीडियो पसंद आया है, आपको लग रहा है इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है, तब जाकर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दूसरी सबसे खास बात, यदि आप बोर्ड एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी सब्जेक्ट का लिंक है, आप चाहें तो वहां से प्लेलिस्ट के अनुसार सभी वीडियो की पढ़ाई कर सकते हैं। दूसरी बात, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, टेलीग्राम का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक, इन तीनों का लिंक हमने प्रोवाइड कर दिया है, तो इन तीनों में आप ज्वाइन हो जाएंगे। टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में आपको पीडीएफ नोट्स जो होंगे, जो इंपॉर्टेंट होंगे, जो भी आवश्यक सूचनाएं होंगी, आवश्यक वीडियो होंगे, वहां पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो वहां से जुड़े रहेंगे, 2025 की तैयारी अच्छे तरीके से होती रहेगी। जो इंस्टाग्राम है वहां से आप डायरेक्ट हमसे बात कर सकते हैं, मैसेज द्वारा भी आप हमसे बात कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।